वियर्स, जो ख़वातीन जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट का शिकार हैं और वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम है और थकी थकी रहती हैं, उनके लिए आज मैं ज़बरदस्ती नारियल की खीर बनाने की रेसिपी लेके आई। यकीन करें बड़ा बेहतरीन सा नुस्खा है। घर में सारा दिन जो ख़वातीन काम करती हैं और जो बच्चियाँ स्कूल या कॉलेज जाती हैं और थकी थकी अपने आप को महसूस करती हैं, सर में दर्द रहती है, पट्ठों का खिंचाव रहता है, कमर में दर्द और घुटनों में दर्द और जोड़ों में दर्द रहता है, रात को सोने से कबल टांगों में खिंचाव, एड़ी में दर्द रहता है, इन तमाम मसाइल का हल ये ज़बरदस्त सी खीर है। चले बनाना शुरू करते हैं नारियल की खीर। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 3 कप आपने फ्रेश मिल्क लेना है। प्लीज़ व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। बहुत ही फ़ायदों से ये भरपूर आज की ये रेसिपी बन रही है। सबसे पहले इसमें 2 टेबलस्पून भरकर आपने चावलों का आटा ऐड कर देना है, साथ ही आपने इसमें नारियल का बुरादा ऐड करना है। फ्रेश मैंने नारियल लिया था, नारियल को मैंने ग्रेट कर लिया था, कद्दूकस आपने कर लेना है। तकरीबन ये 5 टेबलस्पून बनता है। नारियल जो है ताकत का ख़जाना है, नारियल जिस्म को ताकत देता है, हड्डियों को मजबूत करता है। जिन ख़वातीन को कमर का दर्द रहता है उनके लिए बेहतरीन और फ़ायदेमंद है। जिस्मानी कमज़ोरी और थकावट को दूर करता है। इसको सुपर फूड के नाम से जाना जाता है। रोज़ाना जो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, यकीन करें ना उनकी झुर्रियाँ पड़ती हैं चेहरे पर औरतों की, और वो अपने उनकी जो उम्र है वो भी तकरीबन बहुत ज़्यादा जल्दी वो बूढ़े नहीं होती हैं। तो आपने इसका इस्तेमाल करना, अगर आप इस खीर का मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो यकीन करें बहुत ही फ़ायदेमंद ये खीर बना रहे हैं आज हम। तो साथ ही इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी है। ठंडे दूध में ही आपने चावल ऐड करने हैं और नारियल का बुरादा, उसके बाद आपने फ्लेम ऑन करना और मीडियम फ्लेम पर आपने पकाना। इसको पकाने में भी तकरीबन 10 मिनट ही लगते हैं और ये बहुत ही फ़ायदों से भरपूर आज हम ये खीर बना रहे हैं, वो भी नारियल की खीर। यकीन करें अगर आप इस खीर का मसलसल इस्तेमाल करेंगे तो आप अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना फील करें। देखिए खीर हमारी पक रही है, मीडियम फ्लेम पर हमने पका लिया है। साथ ही इसमें मैंने थोड़ा सा बादाम भी ऐड कर दिए कटे हुए, साथ ही थोड़ा सा केवड़ा एसेंस ऐड करेंगे जिससे ज़बरदस्ती इसमें खुशबू और महक आएगी। अक्सर औरतें जो है वो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहती हैं तो उनके लिए ये बेहतरीन नारियल की खीर है। देखिए खीर पकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन अगर आप ये फ़ायदेमंद भरपूर फ़ायदों से भरपूर ये खीर रोज़ाना इसका इस्तेमाल कर लेती हैं तो यकीन करें आपके तमाम मसाइल जो है हल हो जाएंगे। कमर में दर्द, एड़ियों की दर्द और पट्ठों की दर्द, जिस्म दर्द, थकावट, जिस्मानी कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, हर तरह के मसाइल का ये हल है नारियल की खीर। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।